अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी हूँ। तो आप लोग देख ही रहे होंगे जो मार्क था बहुत ज़्यादा था, 7 दिन पहले तक भी बहुत ज़्यादा मैं टेंशन में थी कि ये पता नहीं जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा हो गया। आप लोगों ने मेरे साथ इतनी ज़्यादा दुआ करी, मुझे इतने प्यारे प्यारे कॉमेंट्स करे कि आप ये लगाओ, आप ये यूज़ करो और हम दुआ करेंगे आपके लिए जल्दी ठीक हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये काफ़ी ठीक हो गया। अभी मेरे जो ज़्यादा पेन हो रहा था वो भी बहुत नहीं है अभी। तो आज जो है डॉक्टर का डे है, 7 डेज़ कंप्लीट हो गए आज, तो मुझे डॉक्टर के पास जाना है। जाकर डॉक्टर के पास देखते हैं कि वो क्या बोलेंगे। अभी इसमें मैंने कुछ भी क्रीम वगैरह नहीं लगाई क्योंकि डॉक्टर को ये नेचुरली दिखाना है पूरा। कि कमेंट्स इतने अच्छे अच्छे थे और मुझे इतनी खुशी होती है कि हाँ मेरे पास इतनी प्यारी फैमिली है। तब मेरे लिए दुआ करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। तो बस हम लोग अब निकलने वाले, मैं भी रेडी होने वाली हूँ। गाइज, एक और बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि अभी जो हमने सिस्टर्स प्रैंक किया था उसमें बाजी बहुत ज़्यादा रो रही थी, उनका बहुत ज़्यादा फेस रेड हो गया था और अभी बाजी सो रही हैं, वो उठेंगे तो मैं आप लोगों से उनसे भी पूछवाऊंगी। बात ये थी कि वो सुबह से ही सैड थी और वो रो रही थी, सुबह से ही वैसे भी रो रही थी वो, और वो बहुत ज़्यादा सैड थी सुबह से, कुछ पर्सनल इशू था उस वजह से। जब हमने प्रैंक करा तो वो बिना कुछ बोले चुप ही रही और वो रोती रही। उसमें ये नहीं है कि हम लोगों ने बहुत गंदा प्रैंक करा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे हो कि बहन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग जो प्रैंक बनाते हैं वो आप लोगों के लिए ही बनाते हैं, क्योंकि आप लोग ज़्यादा रिकमेंड करते हैं कि प्रैंक्स बनाया करो, प्रैंक्स दिया करो, इस वजह से हम लोग ज़्यादा प्रैंक्स बना रहे हैं। अभी आप लोगों ही हमें कॉमेंट्स कर ऐसे बोलोगे कि ये बात है वो बात है, आप लोगों को ऐसे नहीं करना चाहिए था, वैसे नहीं करना चाहिए था। प्रैंक्स का मतलब क्या होता है? प्रैंक्स का मतलब यही होता है कि हमें बिल्कुल रियल एक्टिंग करनी है। तो शैल ने जितना हो सका रियल दिया और आप शैल को इस टाइप से बोल रहे हो तो ये बहुत ही ज्यादा गलत है। प्लीज ऐसे कमेंट्स मत किया करो, क्योंकि हम आप लोगों की वजह से ही ये सब करते हैं। प्रैंक बनाने का रीजन ही ये था कि पब्लिक की डिमांड थी कि प्रैंक्स ही बनाया करो, व्लॉग के अलावा प्रैंक्स ही शूट किया करो आप लोग, इस वजह से हम जो है प्रैंक ज्यादा दे रहे थे। तो प्लीज ऐसे कमेंट्स मत करा करो जिससे दिल दुखे। अब शैल जब पढ़ रहे थे तो शैल को बहुत ज्यादा बुरा भी फील हो रहा था। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए और आप लोग जब ऐसे बैड कमेंट्स करते हो तो बुरा ही फील होता है। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है ऐसे मत बोला करो। आपको एक साइड ही आप देख रहे हो प्रैंक के थ्रू, दूसरी साइड आप ये नहीं देख रहे कि शैल कितना ज्यादा प्यार करते हैं अपने सिस्टर को। अगर वो मेरे लिए कुछ लेकर आते हैं तो वो बाजी के लिए भी वही सेम चीजें लेकर आते हैं। तो आप लोगों को है ना दोनों साइड देखनी चाहिए, बिना कुछ देखे ऐसे जज नहीं करना चाहिए। सो ये क्लिप है मेरे बर्थडे की, मैंने छोटी सी ऐड करी है, आप इसको प्लीज देखिए। तो जिसने ये व्लॉग नहीं देखा होगा आप प्लीज ये क्लिप देख लें या जाकर ये व्लॉग देख लें। और इवन आप पिछले सारे व्लॉगों में दिखेगा कि हम लोग कितने ज्यादा अच्छे रहते हैं, ऑन कैमरा भी और ऑफ कैमरा भी हम लोगों में बहुत ही ज्यादा प्यार है। बेहतरीन, मजा आ गया देख के। चलो चलो रोनी, अरे रोनी चुप हो जाओ, रोनी चलो। और ये जो क्लिप है ना ये शैल के बर्थडे की है, जब मैंने फर्स्ट टाइम शैल का बर्थडे सेलिब्रेट किया था तो शैल बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे, अपनी मम्मी को भी बहुत ज्यादा याद कर रहे थे। इतने अटैचमेंट्स हैं उनकी अपनी फैमिली को लेके और इतना सॉफ्ट हार्टेड है शैल की, वो किसी अननोन पर्सन को भी रोता हुआ देखते तो वो बिल्कुल नहीं देख पाते और फैमिली को तो वो सोच ही नहीं सकते किसी को के साथ बुरा करने के लिए। शैल बिल्कुल ऐसे नहीं है। आप लोग है ना ये वाले व्लॉग्स जाकर देखिए, आपको पता चलेगा शैल कितने अच्छे हैं। आप लोग शैल को बहुत अच्छे से जानते भी हो, एक साल से आप हमारे व्लॉग्स देख रहे हो, आप लोगों को पता ही है कि शैल का नेचर कैसा है, वो कितना सॉफ्ट हार्टेड है और वो कितना प्यार करते हैं अपनी फैमिली से। वो घर में सबसे छोटे हैं तो सारी सिस्टर्स भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। ये जो प्रैंक था ये सिर्फ एक मजाक था और कुछ भी नहीं था। आप इतना ज़्यादा सीरियस लेकर कैसा प्रैंक नहीं करना चाहिए था, ये बात है वो बात है। शैल को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था, वो नेक्स्ट टाइम बोल रहे थे मैं प्रैंक ही नहीं करूँगा। प्रॉब्लम ये है कि कभी भी हमारे व्लॉग में बैड कमेंट्स आते नहीं है, तो जब आए तो शैल को बुरा लगा। हेलो एवरीवन, सो फाइनली मुझे एक बहुत ही मैजिकली फेस वॉश मिल चुका है जिसके बारे में मैं आज आपको डिटेल से बताने वाली हूँ। जब से मैं ये फेस वॉश यूज कर रही हूँ ना मुझे इतना ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। सो ये है मामा अर्थ का बाय बाय ब्लेमिश फेस वॉश। इसके अंदर है बलमेरी की नेचुरल गुडनेस जो आपके दाग धब्बे को, इवन फेस के पिगमेंटेशन हो गई, टैनिंग हो गई, उसको रिमूव करता है और आपकी स्किन को ब्राइटन देता है। इसके अंदर विटामिन सी भी एड है ऑलरेडी। सो ये मेरी सिस्टर इन लॉ, तो इनके फेस पर यूज करके देखते हैं। इनकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है तो देखते हैं एक्चुअल में इनके ऊपर वर्क कर रहा है या नहीं। कि डेड सेल स्किन को रिमूव करता है और जेंटली क्लीन भी करता है। ये मेड एंड सर्टिफाइड है। मामा अर्थ के सारे प्रोडक्ट बहुत नेचुरल होते हैं, इनके अंदर कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते। प्लास्टिक पॉजिटिव और इंडियन ब्रांड है, आप इसे इजीली बाय कर सकते हैं और मेरा कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा। और जब भी आप यहाँ से कुछ ऑर्डर करते हो तो आपके प्रोडक्ट के अगेंस्ट एक प्लान बुक होते हैं।
हैं और आपकी पिक्चर को शेयर करते हैं। Mamaearth has already launched their officially app। यहाँ पर आपको मिलेंगे early access to sell and extra discount भी। और ये सारे प्रोडक्ट्स आपको बहुत इजीली मिल सकते हैं Mamaearth app पर, Amazon पर, Nykaa पे, Flipkart पे एंड Purple पे भी। और मुझे कमेंट्स करके और मैसेज करके जरूर बताइए कि Mamaearth के प्रोडक्ट आपके नियर शॉप पर मिलते हैं या नहीं। सो मैं गाड़ी में आ चुकी हूँ और अभी हम लोग जा रहे हैं बस। सब लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि मैं 7 दिन में आज घर से बाहर निकल रही हूँ। घर से तो क्या, मैं अपने रूम से भी बाहर 7 दिन बाद निकल रही हूँ। मैं 7 दिन से बिल्कुल एसी में रह रही थी, फेस पर मुझे इचिंग बहुत ज्यादा हो रही थी, इसलिए मैं 7 दिन से पूरा रेगुलर 24 घंटे एसी में ही रही हूँ। तो अभी जब मैं घर से बाहर निकल कर आई तो मुझे इतना ज्यादा स्वेटिंग हो रही थी, ऐसा सांस फूल रहा था जैसे पता नहीं मैं कहाँ आ गई, इतनी गर्मी लग रही थी। 7 दिन में हैबिट हो जाती है एसी की और बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है तो इसलिए और ज्यादा बुरा फील हो रहा, बुरा हाल हो रहा था। अभी मुझे ईचिंग होती है इसमें, अभी भी मुझे पेन है इसके अंदर, बट अलहमदुल्ला सब काफी ज्यादा बेहतर फील कर रही हूँ मैं। जाते हैं डॉक्टर के पास और देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं। और मैं उनसे सबसे पहले ये पूछूंगी कि इस निशान को जल्दी से हटाने के लिए कुछ दो। फाइनली हम लोग आ चुके हैं। तो मैं अपना फेस डस्टिंग से बचाते हुए बैठी हुई हूँ वेटिंग रूम में और वेट कर रहे हैं हम लोग के कब हमारा नंबर आएगा। यहाँ मैं व्लॉग बना रही हूँ और ये देखिए जनाब फोन 24 घंटे फोन चलाते हैं। तो दवाई हम लोगों ने ले ली है और मुझे फीवर हो चुका है और मेरी जो हालत है वो बहुत ज्यादा बेकार होती जा रही है क्योंकि मेरे को मेरी आईज जो देखो रेड होने स्टार्ट हो गई और वीकनेस हो रही है बहुत ज्यादा। मैं तो घर जाके सोऊंगा खाली। तो फिर 7 डेज़ की दवाई मिल गई, अब 7 डेज़ बाद फिर दोबारा आना है। बट 7 डेज़ के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया और बहुत अच्छा जितना था घाव वो कम हो गया, तुमने देख ही लिया हुआ इरा। 7 डेज़ बाद इंशाल्लाह और आएंगे, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। बाकी निशान की तो इंशाल्लाह देखिए निशान नहीं पड़े क्योंकि दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं, पहले बहुत हैवी दवाइयाँ थी, अब डोज थोड़े कम कर दिए हैं निशान के अकॉर्डिंग। तो हम लोग अब जा रहे हैं वापस घर की ओर और मेरा गोलगप्पे खाने का मन होने लगा है। तो अभी अगर गोलगप्पे मिलेंगे कहीं तो मैं जरूर ही खाऊंगी। पता नहीं गोलगप्पों से इतना क्या है, मुझे बहुत ही प्यार है गोलगप्पों से। मैं घर आ चुकी हूँ शैलगंज पार्किंग पे और डॉक्टर ने इसे देखा, उन्होंने बोला काफी इम्प्रूवमेंट है और बहुत अच्छा है, अभी इसकी रेस्ट की जरूरत है आपको। वन वीक की उन्होंने और मुझे मेडिसिन दे दी और बोल दिया कि फेस आपको वॉश नहीं करना है सोप से, साबुन से या फेस वॉश से, किसी कुछ भी केमिकल अपने फेस पर नहीं लगाना है। तो मैं कुछ भी यूज नहीं कर रही अभी और बस पानी से ही फेस वॉश करना है। उन्होंने कहा निशान चला जाएगा, आप इतना परेशान मत हो। तो बस इंशाल्लाह मैं दुआ यही करूंगी कि जल्दी से जल्दी ये ठीक हो जाए। मैं बहुत ज्यादा टेंशन में थी, ऑब्वियसली सभी टेंशन में आएंगे, लड़कियों के लिए फेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक बाल और एक फेस जो गर्ल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉयज के लिए भी है बट गर्ल्स का कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव होती है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? तो गाइस एक बात बताइए, जब से ये बाजी वाला जो प्रैंक बना है आप लोगों ने उसके अंदर इतने बुरे बुरे कमेंट्स कर रखे हैं, ठीक? आप मुझे ये बताइए कि आप लोगों को कभी ऐसा लगा है कि भाई मैंने अपनी बहन को कभी तंग किया है, जैसे एक्स वाई जेड जो भी? अरे वो एक प्रैंक था, प्रैंक के हिसाब से बनाया गया था और उसके अंदर क्या था, बाजी जो इतना रो रही है ना उसका रीजन एक और है, बाजी सुबह से ही रो रही थी इसीलिए तो बाजी के साथ प्रैंक किया है। कमेंट्स आ रहे हैं और वो कमेंट्स में पढ़ के हंस भी रहा हूं। बाजी बता नहीं रही थी क्या हो गया क्या हो गया, हम बाजी से पूछे जा रहे हैं बाजी क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, बाजी को ही खेच दिया हमने और ऐसा कोई भी मकसद नहीं था कि भाई ऐसी बात थी या उसके अंदर क्या कहते बाजी को ही बात कह दी नहीं कि आप लोगों की दिल की बात थी, आपने तो ये दिल की बात कर दी और ऐसे करता कौन है, शादीशुदा बहनों के साथ करो इनके साथ क्यों किया। बट इनको हमने बाद में जब ये प्रैंक एंड हो गया उसके बाद हमने बहुत सारी चीजें इनसे पूछी भी हैं कि भाई दिल में कोई बात तो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, हमारी फैमिली बहुत अच्छी है, हम ऐसी चीजें नहीं करते। तो कोई बैठी नहीं आई बात समझ जी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम लोगों ने बवंडर मचा दिया बिना बात के, यूं बात और वो बात और ये बात, पता ऐसा ना करो यार, ठीक है ना, घर वाले में आते भैया, हम एक दूसरे के ऊपर प्रैंक करते रहते हैं, आज मुझे बुखार हो गया तो मेरी बाजी मुझसे यूं कह रही है, अरे मुझे लग रहा है तुझे पब्लिक बुरा कह रही है तभी तुझे बुखार हो गया। कुछ बस मजाक वाली बात है और ऐसा कुछ भी नहीं है, मजाक चल रहा है यार, क्या तुम लोगों ने इतना बवंडर कर दिया यार, इतने कमेंट कर दिए। और चलिए मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूं, इंशाल्लाह आप लोगों से मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए और अपना ख्याल रखिए।